पार्टी को ट्रांसफर हुआ, समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी को नहीं ट्रांसफर हुआ। बीएसपी इस बार जो प्रत्याशी खड़ा करने का काम की है, आप देखेंगी तो लगेगा कि एक मुसलमान के सामने मुसलमान प्रत्याशी है, यानी समाजवादी पार्टी का मैक्सिमम वोट अगर कोई काट रहा है तो बीएसपी काट रही है, और बीएसपी ने यादव के खिलाफ यादव दिया, मुसलमान के खिलाफ मुसलमान दिया है, अगर कोई अन्य कास्ट का है तो उसके सामने अन्य कास्ट का प्रत्याशी दिया है। लिहाजा बीएसपी ये बात जान गई है कि हम खेल बिगाड़ेंगे और अगर हम मजबूत स्थिति में आए तो जो भी सत्ता में आएगा वो मेरे बिना सरकार नहीं बना सकता, इसलिए वो इस तरीके की रणनीति अपना रही है और एग्रेसिव कैंपेन करने से वो बच रही है। मनोज सर, आपके पास आना चाहूंगी। एग्रेसिव कैंपेनिंग कर नहीं रही है, सर ने जैसा बताया कि ऐसी लिस्ट दी है जिससे पता चल रहा है कि सपा के वोटर्स कट रहे हैं खासतौर पर, तो दलित वोटर्स फिर कहां जाएगा जो कि खासतौर पर कोर वोट बैंक माना जाता है बीएसपी का? यहां पे पवन की एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि बीएसपी अपने आप को किंग मेकर बनाना चाहती है, लेकिन एक बात से ना इत्तेफाक ही रखता हूं कि जैसा पवन कह रहे हैं कि बीएसपी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा उठाएगी, सुसाइडल अटेम्प्ट है बीएसपी के लिए। अगर बीएसपी सरकार के साथ, माफ कीजिएगा, भाजपा के साथ जाती है तो उसका पॉलिटिकली सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाएगा, वो बीएसपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है कि उसने अपने जो प्रत्याशी खड़े किए, कोई बड़ा फ्यूचर प्लान तो नहीं है? मे बी 2024 का चुनाव भी सामने है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब्बार की एक बात से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूँ कि ओवैसी यहाँ पर वोट कटवा बनकर आ रहे होंगे, नहीं, ओवैसी के लिए ये आंध्र प्रदेश नहीं है, ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ पर मुसलमान जानता है कि ओवैसी पर हम नहीं कह सकते, लेकिन एक लेवल लगाया कि वो बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन मायावती जितनी बड़ी वोट काटने वाली पार्टी इस पूरे चुनाव में बन रही है, उससे बड़ा वोट कटवा इस पूरे चुनाव में कोई नहीं है, और मायावती ने बहुत सोची समझी राजनीति के साथ ये काम किया, अपने आप को पीछे करके एक बिग पिक्चर का प्लान किया है, वो बिग पिक्चर देखो उनकी लिस्ट में भी दिखाई दे रहा है। सर, मैं अब ये माइक आपको थमा रही हूँ, बहुत सारे चुनाव आपने पुराने भी देखे हैं, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, आप सवाल आगे बढ़ाइए, उसके बाद मैं पवन को माइक पकड़ाऊंगी और सर को, और वो आगे बढ़ाएंगे सवाल। अजीत, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर रहे हैं, बताइए लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है कि नहीं? देखिए बिल्कुल सर, लाइन ऑर्डर मुद्दा नहीं है, और आपने देखा होगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर हो रहा है। अगर आप 2002 की सरकार देखें मायावती की, 2003 से 7 मुलायम सिंह को देखें, 7 से 12 मायावती को देखें, 12 से 17 ये चारों बार सरकार लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर गई और लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर आई, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार चुनाव लड़ रही है। जब्बार, आप बताइए क्या ये ध्रुवीकरण पर है, जात पर है या आम वोट पर? ये ध्रुवीकरण पर है, अगर देखा जाए एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ये ध्रुवीकरण पर है अब तक की जो पूरी सियासत देखने को मिली है। मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा सपना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही आंध्र प्रदेश नहीं कि यहाँ पर कामयाब होंगे, लेकिन ओवैसी के पीछे जो एक यूथ है, मुस्लिम यूथ है, चाहे वो 201 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, 300 हो, 100 हो, 100-200, वो मार्जिन अगर जहां पर 200-300 के वोट से हार जीत तय होती है वहां पर वो बड़ा फैक्टर साबित हो जाएंगे, वैसे मेरी अपनी ये समझ है। दूसरी चीज, एक चीज को सपना हम लोग भूल रहे हैं इन तमाम चीजों के बीच में, कांग्रेस को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस अगर अपर क्लास ऐसी कैंपेनिंग नहीं की, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अपर कास्ट का वोट अगर कांग्रेस अगर कुछ परसेंट भी ले जाती है, जो अपर कास्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो भी कहीं ना कहीं माइनर लेवल पर एक डेंट लगाने की कोशिश, ये भी तो एक सवाल है। कोई ये बताए वो 403 लेकिन लेकिन मनोज जी, सपना एक सेकंड, सपना एक सेकंड, मनोज जी मैं एक सेकंड, एक सेकंड, राम के पास जाना होगा, तो इसी बीच एक बड़ी खबर है, राम ओवर टू यू। बिल्कुल, एक बड़ी खबर है, ये हरदोई से मिल रही है जहां पर पोलिंग बूथ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशियों में नोकझोंक हुई है। अब हरदोई से अगर आप बात कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी की, तो नितिन अग्रवाल हैं, और नितिन अग्रवाल और अनिल वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके दोनों के बीच में नोकझोंक हुई है। हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, कन्या प्राथमिक विद्यालय पोलिंग बूथ का मामला है, पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। सर, तो बिल्कुल, देखिए आप हरदोई से ये खबर देख रहे थे, पवन के पास लौटेंगे। पवन, देखिए बीएसपी के रोल को लेकर चर्चा हुई, कांग्रेस के रोल को लेकर चर्चा हुई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वाकई वोट काट रहे हैं? देखिए, अगर ओवैसी की बात करें तो निश्चित तौर पे यूथ में थोड़ा बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है कि शेर आया इस तरह के नारे लग रहे हैं उनकी रैलियों में, लेकिन वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान करने के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, ना कि जीतने के लिए, इसलिए उनका इम्पैक्ट जीरो है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, एक चीज को सभी लोग भूल रहे हैं, कोई भी विपक्ष
अगर सत्ता में वो आना चाहता है या आता हुआ दिखाई देता है, तो एक गणित जो साफ दिखाई देती है कि वो 30 से 35 जनपद क्लीन स्वीप करता है, बड़े जनपद क्लीन स्वीप करता है जहां 9 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, लेकिन पहला ऐसा चुनाव है जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुज से पूछेंगे, अनुज लगातार आप चुनाव कवर कर रहे हैं आम जनता के बीच में, आपको 10-15 ऐसे जनपद लगे क्या जो कोई एक पार्टी क्लीन स्वीप कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस बार का देखिए सबसे बड़ा इसका मुद्दा ये है, ये मतलब ये निकलता है कि वोटर जो है बहुत साइलेंट है, नहीं समझ में आ रहा है, बात कर रहे हैं तो बता नहीं रहा है। तो ये जानने और समझने की हम जरूर कोशिश कर रहे हैं लगातार। दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि दूध का साइलेंट वोटर कौन सा कह रहे हैं, जो बातचीत कैमरे पर नहीं करता है या वो बात ही नहीं कर रहा है? बात नहीं कर रहा है वो, 10 तारीख को जब खुलेगा तब पता चलेगा कि आखिर वो चाह क्या रहा है, उसके मन में क्या है। और सिंगर साहब जो आप बात कर रहे थे कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ये बात तो समाजवादी पार्टी पर भी लागू होती है। अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था, इस बार देखिए शुरू से कह रहे कोई बड़ी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, छोटे छोटे दलों से उन्होंने गठबंधन किया, पश्चिम से लेकर पूरब तक आप देख लीजिए। निश्चित तौर पे आपकी बात 10 तारीख को पता चलेगी। खासतौर से मयूर, वोट परसेंटेज बढ़ता है या कम होता है इसके मायने किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी अगर है नहीं है उससे थोड़ा बहुत पता चलता है। बिल्कुल, देखिए राजनीति को जो जानने वाले हैं, जो सलाहकार हैं, अगर उनकी माने और इतिहास उठा के देखें, जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तब तक सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले से लेकर चौथे चरण तक हम देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं कम हुआ है। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी राहत जरूर है कि वोट प्रतिशत जो है कम हुआ है, और इतिहास ये गवाह रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है, जैसे कि सारे सहयोगी हमारे बता रहे हैं, जो वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट है, बता नहीं रहा है वो क्या करने वाला है, तो ऊंट किस करवट बैठ जाए। निश्चित तौर पर, और खासतौर से आधी आबादी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज्यादा साइलेंट है, और सरकार बनाने में इस बार अगर कोई आएगा तो आधी आबादी, लेकिन वो बोल नहीं रही है कैमरे पर। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं आकांक्षा का रुख करते हैं। आकांक्षा, कई जगहों से ये खबर सामने आई कि ईवीएम खराब हुई है, 1-2 घंटे की देरी हुई, उसको लेकर हमारे तमाम जो सहयोगी वहां से जुड़े हुए थे वो क्या रिपोर्ट आपको दे रहा है? देखिए कई ऐसी जगह रही है, चाहे पीलीभीत हो, लखनऊ हो, या इसके अलावा हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी जहां पर ईवीएम खराब होने की सूचना जरूर मिली, कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठे मोनिका प्रशासन पर। बिल्कुल, प्रशासन पर तमाम तरीके के सवाल उठे और उन सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूर चरमराई। लेकिन इस बीच आपको वोटिंग परसेंटेज बताना भी जरूरी है कि अब शाम के 6 बज गए हैं और वोटिंग परसेंटेज क्या है, वोटिंग परसेंटेज बताएंगे मेरे सहयोगी दिव्या। बिल्कुल, सीतापुर में 60.23% वोटिंग दर्ज की गई है। उन्नाव की बात करें तो अगर यहाँ पर 56.68% वोटिंग दर्ज की गई है, और इसके अलावा देखिए रायबरेली का वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं 58.32% रहा, फतेहपुर में 57.02% मतदान हुआ है अभी तक। और ये तो फतेहपुर और रायबरेली की बात थी, इसके बाद आगे बढ़े लखीमपुर में, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज सामने आया है 62.45%। हरदोई की बात करें तो 55.40% हरदोई में वोटिंग परसेंटेज सामने आया। तो अब तक कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो यहां पर 57.45% दर्ज किया गया है, बांदा में 57.48% वोटिंग दर्ज की गई है। तो अलग अलग जिलों का क्या हाल है वो इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, हमने आपको समझाया, सीधे चलते हैं विवेक के पास। बिल्कुल, ये जो परसेंटेज आया है अब तक सामने, ये बता रहा है कि रिस्पांस तो किया है जनता ने और ठीक ठाक रिस्पांस किया, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि कभी तो जनता अपना ही रिकॉर्ड तोड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लखनऊ की उम्मीद अगर की जाए 57% से लोगों ने वोट किया है, अभी 1 घंटे का डेटा इसमें और जुड़ेगा, जो कि लगता नहीं कि 60 के पार चला जाए, लेकिन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कम है। पढ़े लिखे वोटर इंटरेस्टेड कम दिखाते हैं वोट करने में, शहरी वोटर खासतौर से। सीतापुर की बात की जाए तो 60% लोगों ने वोट किया है, इसके अलावा अगर बात की जाए रायबरेली की तो 58% लोगों ने वोट किया है। और अलग अलग जिलों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, 9 जिले हैं और 59 सीट है। फतेहपुर में 57% लोगों ने वोट किया है, ये 5 बजे तक का डेटा है, बार बार आपको बता रहे हैं। और अब तो चुनाव भी समाप्त हो गया, मतदान भी समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया है, और लिहाजा अब 1 घंटे का अपडेट 1 घंटे बाद ही आएगा जो उसमें जुड़कर आएगा। बांदा में 57.48% लोगों ने वोट किया है, और ये बताता है कि किस तरह लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और हम रुक करते हैं सीधे पीलीभीत, प्रशांत आपके पीछे सन्नाटा दिख रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि 6 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद मतदान बंद हो गया है,
और प्रत्याशियों की किस्मत इसी के साथ ईवीएम में कैद हो चुकी है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो शाम 5 बजे जो आंकड़े आए थे उसके मुताबिक करीब 62% मतदान पीलीभीत जिले में हुआ है, यानी पिछली बार 67% मतदान हुआ था। और ऐसा माना जा रहा है कि जो मतदान के जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो मतदान का प्रतिशत उसी के आसपास रहेगा। लेकिन पीछे आप देख सकते हैं कि 6 बज चुके हैं, मतदान क्लोज हो गया है और अब यहाँ से जो ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम के लिए निकलने वाली है और इसी के साथ तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका फैसला 10 मार्च को होगा। 10 मार्च को फैसला होगा, प्रशांत हमें जानकारी दे रहे हैं। और 10 मार्च ये बड़ा दिन होगा क्योंकि इस दिन सबको इंतजार भी होगा कि आखिर किसकी किस्मत में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। हरदोई से हमारे साथ जेपी शर्मा जुड़ गए। जेपी, आपके साथ बहुत लोग हैं, चुनाव तो खत्म हो गया, आपका एमएलए कौन, लोगों ने तब इस पर वोट कर दिया है, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए। देखिए सबसे पहले मैं दर्शकों की खबर बताऊंगा कि अभी चुनाव खत्म हो चुका है, दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर यह हो गई थी कि यहाँ के जो रेलवेगंज पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पर सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और उर्फ जीतू और भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल आमने सामने आ गए थे, तीखी नोकझोंक हो गई थी। कुछ बताया जा रहा कि फर्जी वोटिंग को लेकर आपस में हुआ था। चले कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि भैया वोट डाला आज किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। किन मुद्दों को लेकर डाला? विकास जो है हमारी भाजपा सरकार में बहुत अच्छा हुआ है, इसी जो है हम लोग युवा तो किसका एमएलए बन रहा है यहाँ से? भैया नितिन अग्रवाल बम्पर वोटों से जीत रहे हैं यहाँ से। भैया किसका? नितिन अग्रवाल से। आपको लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? नितिन अग्रवाल हरदोई के लाल नितिन अग्रवाल जी नितिन अग्रवाल जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है यहाँ पे? जीत रहे। देखिए अब हम कह सकते हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं और आचार संहिता का आपको इश्यू नहीं है, लोगों से खुलकर हम पूछ सकते हैं कि आखिरकार इस बार जनता किसको जिता रही है, किसको एमएलए बना रही है? नितिन अग्रवाल। बीजेपी जीत जाएगी? ठीक है जेपी जी, नितिन अग्रवाल जीत जाएगी? बीजेपी जीत जाएगी? हां बीजेपी जीत रही है हरदोई से। चुनावों में जब रिजल्ट आता है तो उस वक्त ऐसा ही रिस्पांस दिखेगा या कुछ और हो सकता है। हम सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी सपना की तरफ एक बार फिर से। सपना, शाम हो चली है, दिन अस्त हो रहा है, चुनाव भी समाप्त हो गया है, लाइट दिख रही है विधानसभा में जगमग होती हुई। बिल्कुल, विधानसभा की लाइटिंग आप देख सकते हैं, इसीलिए हम खास बुलेटिन विधानसभा से देख रहे हैं और तमाम हमारे साथ वो सहयोगी मौजूद हैं जो पिछले कई चुनाव कवर कर चुके हैं, इसीलिए हम समझने की कोशिश इनके जरिए भी कर रहे हैं कि आखिर पिछले चुनावों में और इस चुनाव में क्या अंतर है। मनोज सर, एक सवाल, ये मैंने भी ग्राउंड पर देखा, बिल्कुल सही बात अजीत ने कही कि देखिए ये चुनाव ऐसा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जा रहा है लेकिन प्रत्याशी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और खासतौर पर दल जिन्होंने बदला है, दल बदलुओं के लिए क्या? देखिए दल बदलू वो लोग हैं जो इस पार्टी से उस पार्टी में हर चुनावी मौसम में जाते हैं, इस बार भी गए हैं, लेकिन उनके संग एक प्लस पॉइंट होता है जिसमें 5 साल मेहनत पार्टी वाले ने की होती है उसका टिकट कट जाता है और दल बदलू को टिकट दे दिया जाता है। तो इसकी एंटी इनकम्बेंसी, लोगों की नाराजगी, वोटर का निराश होना। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, उसके बाद अपने बाकी सहयोगियों के पास चलेंगे। पडरौना सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे विधायक थे, मैं उनकी सीट पर गई थी, सवाल भी थे, हर बंदा ये चाहता है अपनी सीट पर, हर व्यक्ति चाहता है कि आए विधायक मिले हमसे, अगर विधायक दूर है तो जनता इसका जवाब देती है। मैं पडरौना सीट एक एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ जो मैंने देखा। हाँ बिल्कुल है, ये होता है, वही कह रहा हूँ, वो उनके लिए स्काई लैब्स हो जाते हैं वो, कि वहां पे एक आदमी गिरा आके और वो चुनाव ले। स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जमीन पडरौना कुशीनगर वो सब पूरा सिद्धार्थनगर वाला इलाका है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पे बीजेपी के तौर पे गए थे, पहले बीएसपी के तौर पे, अब सपा के तौर पे। तो ऐसा नहीं होगा कि कॉलोनी में बटे हुए सारे वोट कि वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा या इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये कोई रूबी क्यूब का गेम नहीं है। इस बार इसलिए हाइप आ गया स्वामी प्रसाद मौर्य क्योंकि बीजेपी से वहां गए और इस बार और लड़ाई भी थे। मंत्री भी थे और लड़ाई भी सीधे तौर पर, इसीलिए हमारे तमाम बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। देखिए एक बार